गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल टुडे? वी आर लर्न अबाउट चैप्टर 3, डायमंड्स एज बिग एज आलमंड्स। मतलब क्या हुआ, डायमंड है जो एक पत्थर होता है ना, डायमंड चमकने वाली पत्थर, वो कैसी है, एक आलमंड की तरह। आलमंड है जो बादाम बोलते हैं ना, बादाम खाते हैं उसको आलमंड बोलते हैं, ठीक ना। वो आलमंड एलमंड जो है, डायमंड जो है एलमंड की तरह बड़ी है ना। चलो लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन, डायमंड्स एज बिग एज एलमंड्स। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ही वाज इल एंड हैड बिकम वीक। ही वाज एज थिन एज बीन कोल। ही न्यू दैट ही वुड नॉट लिव फॉर मेनी इयर्स। ही हैड ओनली वन सन हु हैड जस्ट टर्न 10. द किंग वॉन्टेड टू फाइंड अ गुड एडवाइजर फॉर हिज सन बिफोर ही डेड। मतलब क्या है, देखिए एक समय की बात है, देर वॉज अ किंग, एक राजा था। ही वॉज इल एंड हैड बिकम वीक, और वो बहुत ज़्यादा बीमार था, हमेशा बीमार रहता था और बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो गया था। वीक है ना, कमज़ोर है ना। ही वॉज एज थिन एज बीन फूल, और वो इतना पतला हो गया था कि जैसे एक सेम की डाल होती है, कि पतली सी डाली होती है ना, उसी तरह वह बहुत दुबला हो गया था, वीक हो गया था। ही न्यू दैट ही वुड नॉट लाइव फॉर मैनी ईयर्स, और उसे ये लग रहा था कि मैं बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊँगा। ही हैड ओनली वन सन हु हैड जस्ट टर्न 10, और उनका एक अकेला बेटा था जो कि 10 साल का था। द किंग वॉन्टेड टू फाइंड अ गुड एडवाइजर फॉर हिज सन बिफोर ही डेड, और वो जो राजा था वो चाहते थे कि उन जब मैं डेड हो जाऊँ, जब मैं मर जाऊँगा, तो उसके पहले मेरे बेटे को एक अच्छा एडवाइज़र होना चाहिए जो उसे राज चलाने के लिए एडवाइस कर सके, मतलब उसको कुछ बता सके, है ना, समझा सके कि कैसे चलाना है, क्या है करके। अब देखिए, वन डे ही आस्क्ड हिज कर्टियर्स, आई एम अ वाइज एंड गुड किंग। तो क्या बोल रहे हैं, कर्टियर्स यानी होता है दरबारी, है ना, जो दरबार में जो राजा महाराजा के जो दरबारी होते हैं उनको कर्टियर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वह बोल रहे हैं, एक दिन उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, आई एम अ वाइज एंड गुड किंग, तो वह पूछ रहे हैं कि क्या मैं एक बुद्धिमान और अच्छा राजा हूँ। Your Majesty, said the courtiers, you are the wisest and the best king in the world. और वो जो दरबारी हैं वो बोल रहे हैं, महाराज आप बहुत अच्छे, एक बुद्धिमान और अच्छे राजा हैं इस पूरी दुनिया के, ठीक है। चलिए, आ exclaimed the king, he gave a diamond to each of his courtiers. उन्होंने इतने खुश हुए और वह चिल्ला के बोले कि वह बहुत अच्छी बात है, ऐसे करके, और वह हर दरबारियों को एक एक डायमंड उन्होंने गिफ्ट में दिया, ठीक। देयर वॉज वन कर्टियर हाउएवर हु सैट इन अ कॉर्नर एंड डिड नॉट से अ वर्ड। ही वॉज अ यंग हैंडसम मैन एंड हैड अ शॉल अराउंड हिज शोल्डर्स। वहाँ पे एक कोने में एक दरबारी बैठा हुआ था, हु सैट इन अ कॉर्नर, एक दरबारी जो है एक कोने में बैठा हुआ था, और वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। सभी दरबारी वहाँ पे बोल रहे थे, मगर वह दरबारी जो था कुछ भी नहीं बोल रहा था। ही वॉज यंग, वह एक मतलब अच्छा हैंडसम लड़का था, है ना, और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, मतलब आपका जवान लड़का था और एक हैंडसम लड़का था, और उसने एक शॉल अपने शोल्डर में डाल के रखा हुआ था। द किंग सेड एड्रेसिंग हिम, यू हैव नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन। तो जो किंग थे, राजा थे, वो बैठे हुए थे और वो उनसे पूछ रहे थे कि जो मैं पूछ रहा हूँ उसका तुम आंसर नहीं दे रहे हो, तुम उसका जवाब नहीं दे रहे हो, क्यों, डोंट यू एग्री विथ वॉट द अदर कर्टियर्स हैड सेड। तो वह पूछ रहे हैं कि क्या तुम उनकी बातों पर, जो दूसरे दरबारी हैं उनकी बातों पर तुम सहमत नहीं हो क्या। अब देखिए, द कर्टियर्स गॉट अप बोर्ड बिफोर द किंग एंड सेड, योर माइजेस्टी माई रिप्लाई विल बी स्लाइटली डिफरेंट, आई एम अफ्रेड यू मे नॉट लाइक इट। अब वह जो दरबारी था, जो लड़का जो था, वो बोल रहा है कि
किंग राजा जी, मैं आपसे थोड़ा सा डरा हुआ हूँ और मैं अपनी बातों को आपके सामने नहीं बोल पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, डोंट वरी अबाउट दैट, रिप्लाइड द किंग, आंसर माय क्वेश्चन। तो वह बोलते हैं राजा कि तुमको डरने की बात नहीं है, तुम बताओ जो मैंने पूछा है। यू आर अ वाइज एंड गुड किंग, सेड द कर्टियर, बट देयर हैव बीन किंग्स वाइजर एंड बेटर देन यू। तो वह बोल रहे हैं कि राजा जी, आप तो बहुत अच्छे बुद्धिमान और अच्छे राजा हैं, है ना, बट देयर हैव बीन किंग्स वेयर वाइजर एंड बेटर देन यू, और बहुत से ऐसे राजा हैं जो और भी बुद्धिमान हैं, जिससे आपसे ज़्यादा भी, है ना। तो द किंग स्माइल एंड गेव हिम अ डायमंड, तो राजा ने खुश होकर उसे एक डायमंड दिया। द डायमंड वॉज अ बिग एज एन एलमंड, और वो डायमंड कैसा था, एक बादाम के जैसा बड़ा सा, एक बहुत बड़ा ऐसे डायमंड था, है ना, जो चमकने वाली पत्थर होती है उसको बोलते डायमंड। यू आर एन ऑनेस्ट मैन, द किंग सेड, आई लाइक योर रिप्लाई, यू विल बी माई सन एडवाइजर। तो उन्होंने उसे खुश होकर, क्यों उसे खुश हुआ, क्योंकि उसने कहा था कि आप जो हैं पूरे वर्ल्ड में जितने राजा हैं उनसे आप बेटर और अच्छे हो और आप बुद्धिमान भी हो। इस बात पर वह खुश होकर उन्होंने क्या किया कि उस लड़के को एक डायमंड दिया और उससे कहा कि आज से तुम मेरे बेटे के एडवाइज़र बने हो। द नेक्स्ट डे द अदर कर्टियर्स केम टू द किंग एंड सेड, योर माइजेस्टी, यू गिव अस डायमंड्स यस्टरडे, वी टुक देम टू योर ज्वेलर, ही टोल्ड अस दैट दे वेर नॉट रियल डायमंड्स। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन क्या होता है, जो अदर आपके दरबारी थे, जिनको राजा ने डायमंड दिया था, वह सब क्या किए थे कि वह एक ज्वेलरी के पास गए थे, एक सुनार के पास गए थे और उसको डायमंड को दिखाया था। तो उसने कहा कि ये डायमंड जो है नकली है, है ना, तो वो सही रियल वाली डायमंड नहीं है। ऐसे करके उन्होंने राजा को आकर बोला, तो राजा ने, यह द किंग सेड, डायमंड्स वेयर नॉट रियल, दे वेयर अ फॉल्स एज योर वर्ड्स। तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा, हाँ वो जो डायमंड था वो सही में रियल में वो गलत था, है ना, वो सच्ची का नहीं था, क्योंकि तुम्हारी जो बातें थी, तुमने जो बातें मुझसे कही थी वह भी तुम्हारी गलत थी, ठीक है ना। दिस इज़ योर लेसन कंप्लीटेड, डायमंड्स एज बिग एज एलमंड। ओके, यू ऑल लिसन केयरफुली बेटा, दिस इज़ योर लेसन कंप्लीटेड। I am write here some word meanings in board. You all write in your copy and send me in 2 days. Okay? Thank you.